Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi Sahil, hi Megha, welcome to eTimes TV. Thank you so much. We have a segment called Cracking the Code. So basically we want to know, as co-stars, aap ek dusre ke thode secrets sam janna chahte hain, aapne kaise bonding ki, or you know. So pehla sawal mera hai मेघा से. मेघा, जब आपने साहिल को पहली बार देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ हिम? हम लोग फर्स्ट मॉक शूट में मिले थे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन था कि मतलब वो तो वैसे लाइंस बोले कि बिजी थी, उसके बहुत सारे लाइंस थे, मेरे कम लाइंस थे. तो हम लोग जो मॉक शूट कर रहे थे और कैरेक्टर ब्रीफ था सिम्बा का, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो, उसके लिए कैरेक्टर ब्रीफ था. एंड जब हम सीन कर रहे थे तो मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आप देखते हो. तो मैं बस ये चीज से इम्प्रेस थी कि वो इतना अच्छा कर रहा था, क्योंकि वो मतलब इतने सारे वेरिएशन दे रहा था एक कैरेक्टर में, और जैसे डायरेक्टर चाह रहा था कि आप ऐसे करो इसमें, ऐसे फन, या जहाँ पे सीरियस, जहाँ पे क्यूट, जहाँ पे फ्लर्ट, तो वो इतने अच्छे से कर रहा था. और मुझे ना रणवीर सिंह की झलक भी दिख रही थी इसमें, मैंने उसको बाद में बताया कि तो एग्जैक्ट वैसा ही कर रहा था. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी कि इससे बहुत एक इनोसेंस भी था उसमें, कि फ्लर्ट कर रहा है लेकिन आपको चेप नहीं लगेगा कि आपको, या फिर आपको लगेगा कैसा है, वैसा गंदा वाला नहीं लगेगा, वो क्यूट लगेगा. हाँ. तो वो जो चीज से मेंटेन किया था टाइटल में, जैसे डायरेक्टर चाह रहा था वैसा ही कर रहा था. तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छे से कैरेक्टर को समझ के कर रहा है. एंड साहिल, आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन क्या था मेघा का? माय फर्स्ट इंप्रेशन एक्चुअली क्या, जब इट वाज अ मॉक शूट और मेरे को ये कैरेक्टर जब ब्रीफ दिया गया था, I was like, this is what I'm looking for. You to mujhe, I have to crack this role. तो मेरा तो पूरा ध्यान सिर्फ स्क्रिप्ट पे था, और मैंने कि इतना अच्छा करना था कि ये मॉक शूट में ही नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आ जाए, जो कि हुआ. So totally I was involved. But yeah, when I saw Megha for the first time, when sir, director sir, producer introduced us together. So then you know we shook hands and she's Megha and all that. तो यार मेरा इंप्रेशन ये था ना, यार अच्छी है, क्यूट है, लेट्स सी काम करने में कितना मजा आएगा. और पहली बार जब हमने सीन किया, लाइक शी सेड, ऐसा नहीं था, बिकॉज शी इज ऑलरेडी डूइंग द शो, बट इसने जो मॉक शूट में भी जो रिस्पांस दिया, इसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि ओके आई एम ऑलरेडी डूइंग इट, मेरा मॉक शूट नहीं है, इसका है, क्या फर्क पड़ता है, मैं नॉर्मली जैसे करती हूँ, नहीं. बट शी वॉज टोटली इन्वॉल्व इन इट, विच आई रियली लाइक. इट वॉज नॉट फॉर हर, इट वॉज फॉर मी, बट ये बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थी उसमें. और जैसा इसने मेरे को बोला कि अच्छा परफॉर्मर हूँ, डेफिनेटली बिकॉज शी परफॉर्म्ड वेल, इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक इन एक्टिंग. सो उसी की वजह से मेरा भी और अच्छा हुआ. सो दैट वाज माय फर्स्ट, दैट शी इज वेरी वेरी, शी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है. दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन टुवर्ड्स हर. मेघा, आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी एज एन एक्टर? अगर साहिल की आपको एक क्वालिटी बतानी है एज एन एक्टर, वो क्या होगी? आई थिंक वो बहुत प्रोफेशनल है, क्योंकि वो जब भी मैंने देखा है मस्ती तो हमेशा करता रहता है, बट जब सीन की बात आती है तो अगर उसको स्क्रिप्ट मिल गया है और सीन करना है उसके लाइन से, तो वो बहुत सीरियस हो जाता है. जहाँ मस्ती हो रही है वहाँ तो मैं कोने में जाकर अपना लाइन, पहले अपने कैरेक्टर को रेडी करूँ, अपने लाइन रेडी करूँ, कि फिर मैं मस्ती कर लूंगी, कि हाँ मेरे दिमाग में सीन पता है, हाँ कर लूंगा सीन पता है, मुझे लाइन पता है, और उसके बाद तुम मुझसे जो भी मस्ती कराना है, बकवास कराना है, करा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर वो रेडी नहीं है तो उसका रहता है कि पहले परफॉर्मेंस, पहले सीन. तो ये बहुत अच्छी बात, अच्छी बात. साहिल, आप बताइए एक बेस्ट क्वालिटी अबाउट मेघा एज एन एक्टर. एज एन एक्टर शी इज ऑलवेज रेडी. मतलब मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम को बोला हुआ है कि मुझे सीन उसी वक्त मत दिया करो, आई नीड सीन पहले से, बिकॉज आई नीड टू पुट माई एफर्ट्स इन द लाइंस, थोड़ा चेंज करना, थोड़ा जो करना है. बट इसका ऐसा शी, इसने कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह से पकड़ लिया हुआ है कि अगर इसको उसी वक्त स्क्रिप्ट मिले, शी इज रेडी टू डू इट. सो दैट इज वन क्वालिटी व्हिच आई वाज बिल्ड अप. या शी इज ऑलवेज रेडी. जैसे ये बोले कि मस्ती के टाइम पे, अगर ये मस्ती भी कभी सीन हाथ में आ गया, शी इज रेडी. सो दैट इज द क्वालिटी व्हिच इज रियली रियली गुड. अच्छा मेघा, एक क्वालिटी साहिल की व्हिच एनॉयज यू द मोस्ट? कोई नहीं होगी, हो ही नहीं सकती. कभी इरिटेट करती, हंसता रहता, किसी को हंसना अनॉयड लग सकता है, अगर वो ज्यादा हो तो लग सकता है.
साहिल आप बताओ एक अनोइंग हैबिट मेगा की. एक यही है अनोइंग हैबिट जो इसने बोला कि हमेशा मुझसे तू हंस क्यों रहा है, तू हंस, मैंने कहा हंसना प्रॉब्लम है क्या, पर तू हंस क्यों रहा है. मैं किसी भी बात पे अगर हंस रहा हूँ बहुत गुस्से से मेरे को देखती है, हंस क्यों रहा है, अरे हंसने में क्या प्रॉब्लम है, हमेशा बोलती है. अच्छा एक क्वालिटी मेघा साहिल की जो बहुत ही क्यूट या एडोरेबल है या कोई आदत. आई थिंक ये ना मैंने गोली निकल रहा है मेरा. ये वैसा है कि मतलब पुत्तू के साथ होता है तो पुत्तू बन जाता है और हमारे साथ होता है तो मतलब सबके साथ सबके एज का बन जाएगा, सबके साथ मस्ती करता है, सबको साथ में लेके चलना इसको बहुत पसंद है. ऐसा नहीं कि अपना अपना अलग ग्रुप बना लिया या बात करूंगी बस बातें करूंगा, ऐसा इसको बिल्कुल नहीं. सबके साथ डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन हो, एक्टर्स हो, कोई बच्चा हो, सबके साथ इक्वली वो रहता है, सबको साथ में लेके. तो ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है इसका इस नेचर का पार्ट. साहिल आप बताइए एक एडोरेबल या क्यूट आदत मेघा की. वो एक अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी है क्योंकि क्या होता है ना आप उसकी केयर करते हो जो आपको पसंद है, बट शी इज लाइक आई थिंक इन नेचर ऑल्सो शी इज केयरिंग. मतलब नॉर्मली कोई भी किसी भी इंसान को किसी चीज की जरूरत है या फिर उसको अगर कुछ चाहिए तो शी इज लाइक दैट, शी इज वेरी केयरिंग. और कोई भी प्रॉब्लम हो शी इज ऑलवेज देयर फॉर एनीवन, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एनीवन. सुनती है, बात सुनती है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है. आई थिंक दैट इज द क्वालिटी व्हिच आई रियली लाइक अबाउट हर. आप दोनों में से सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है रेडी होने के लिए. आई कैन अंडरस्टैंड कि यू नो मेघा का और यू नो उनके लुक्स मेकअप वेकअप में वैसे टाइम जाता होगा, बट फिर भी वैसे अगर लुक्स की बात ना करें तो कभी कभी एक्टर्स भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं बाल वाल के लिए. और मैं भी नहीं लेता हूँ मेकअप, बिकॉज मेकअप एंड हेयर सीन्स के लिए तो यही टाइम लेती है. मेरे मुझे जितना टाइम लगता है आई थिंक ओनली 15-20 मिनट्स. मेरे बालों में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज आई हैव वेरी हेयर्स को प्रॉपर सेट करने पड़ते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक या शी टेक्स टाइम. हु इज ऑलवेज बुकड हंग्री ये. हाँ क्योंकि रील्स वील्स वही बनाती है ना आपको खींच खींच के. स्क्रीन पे तो मैं ही सिलेक्ट करती हूं एक्चुअली. वो सब ट्रेंडिंग ढूंढना भी सही होता है, यही बताती है, फॉरवर्ड करती है, तो यार आई मीन ठीक है, इट नेवर डजंट मैटर. हां राइट. अच्छा कौन सबसे ज्यादा टॉकेटिव है आप दोनों में. आई थिंक दोनों ही टॉकेटिव है. मैं हर एक से बात कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी चूजी है बेबी. पीजेस कौन क्रैक करता है सबसे ज्यादा. पीजेस अच्छा पीजेस तो हंसती क्यों तुम. अभी तो मैंने पीजे क्रैक नहीं किया. कोई पीजे नहीं क्रैक.
मेरे ख्याल से साहिल का दिमाग में पीजीएस चलता रहता है, इसलिए वो हमेशा हंसते रहते हैं। मेबी मेबी आई डोंट से दोस पीजीएस, मैं अपने ही सोच के हंसता रहता हूं कि कैसा पीजे था यार। ओके आप दोनों में से प्रैंकस्टर कौन है? प्रैंकस्टर तो मैं ही हूँ ज्यादा। हाँ मैं ही हूँ एक्चुअली यार। कभी हाँ। आपको याद है मेघा साहिल का कोई भी बहुत ही एम्बैरेसिंग या फनी मोमेंट जो आप यू नो नॉनस्टॉप उनको टीज करती रही या कुछ ऐसी हरकत हुई हो सेट पे जो बहुत फनी हो साहिल के साथ हुई हो और आप देखकर अपना हंसना कंट्रोल नहीं कर पाई हो? वैसे तो छोटे मोटे तो बहुत सारी चीजें हुई है बट हम साथ में हंसते हैं। she's partner in crime actually। ऐसा नहीं है कि prank मैं कर रहा हूँ, एक ही बार मैंने इसके साथ prank किया था, पर ऐसा नहीं है कि मैं prank कर रहा हूँ और इसको पता नहीं, इशारे से मैं इसको बोल देता हूँ देख 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 अभी मजा आने वाला, something like that। और हम बहुत हंसते हैं सेट पे, बहुत मजाक होता है। हमारे जो डायरेक्टर है रंजन सर, वो तो हंसा हंसा के पागल कर देते हैं और हम उनके हम वो हमारी वो एक्टर्स की टांग खींचते हैं और मैं उनकी टांग खींचता हूँ, मिलके उनके ऊपर प्रैंक करते हैं, काम खींचते हैं, रात को उनके रूम का दरवाजा सेट पे कोई भी मस्ती करे कुछ भी करे डांट इसको पड़ती है। हाँ अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, किसने डांट पड़ती है साहिल? तो ये इसका प्रॉब्लम ये है कि बहुत लाउड हंसता है, तो अगर कोने में कुछ 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 चल रही है हमारे बीच और ये हंसेगा सर, ये अग्नि की वजह से ये एक्टर सब बर्बाद हो रहे हैं, सब बिगड़ रहे, अग्नि है कल्प्रिट। तो कुछ भी हो रहा है सर मेरी तरफ देख के, अगर ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसी ने खराब किया है सबको। मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये एक्टर किया। अच्छा आप दोनों में से सबसे ज्यादा दिलदार कौन है, जो यू नो ट्रीट दे देता है बात बात पे, तारीफ कर देता है? ट्रीट तो ये भी देती है पर अगर तारीफ हो या कुछ ऐसा, आई थिंक हम दोनों में से ज्यादा मैं हूँ दिलदार। खुद की तारीफ तुम्हें बोलना चाहिए था, ये मन सबर नहीं है वो, एनीवे ये है एक्चुअली है ये ट्रीट, ऐसा कुछ ट्रीट तो देता रहता है हम लोग, मतलब सभी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ट्रीट देते रहते हैं, बट तारीफ करना या जो भी दिलदार जो है पार्ट आई थिंक इसका ज्यादा है, साहिल का कोई निकनेम है? नहीं नहीं घर पे भी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं। कुछ तो होगा। नहीं 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 मम्मी नहीं, मॉम मेरे को सिर्फ ऐसे कभी मम्मी से बच्चा या फिर राजा या फिर ऐसे नॉर्मली कोई फिक्स्ड निकनेम नहीं है, सब सिर्फ साहिल ही है। ओके एंड साहिल कोई मेघा का निकनेम है? हाँ तोकाई तोकाई पता है, बता दे रहा नहीं पता तो याद होगा। ओके ही नोस व्हाट डज दैट तोकाई, नथिंग नथिंग। बम्बे से बोला जी नथिंग, इसका मतलब नथिंग नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ तो होगा यार। तो हमारे पास पेट में ऐसे होते हैं थैंक यू।